morning, one and all. My name is Lokesh Nagar and welcome to Start Growing YouTube channel. तो स्टार्ट करते हैं 21 अक्टूबर के करंट अफेयर, देखते हैं पहला क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन है कर्नॉट पुरस्कार. ये जो पुरस्कार है ये किसको मिला है? ये मिला है रेल मंत्री पीयूष गोयल को. ये पुरस्कार दिया गया है. बात करें क्यों दिया है, तो दिया है इनको ग्रामीण विद्युतीकरण के जो प्रयास है इनके, उसको देखते हुए ये पुरस्कार इनको मिला है. बात करें किसने दिया है ये पुरस्कार, तो ये दिया है एवी लीग विश्वविद्यालय पेंसिल्वेनिया ने पुरस्कार पीयूष गोयल को दिया है. ठीक है. और बात करें रेल मंत्रालय ने भी एक नया एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है आस दिशा. उस एप्लीकेशन का नाम है, दो और एप्लीकेशन है जो रेल मंत्रालय ने लॉन्च किए हैं, उनके नाम है एनसीआर रास्ता और यात्री रास्ता. एनसीआर रास्ता अधिकारियों के लिए है और यात्री रास्ता यात्रियों के लिए है. ठीक है. तो ये है अपने रेल मंत्री पीयूष गोयल. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018. ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 है कहाँ पर आयोजित हो रही है? ये हो रही है बुडापेस्ट में हुआ आयोजित हो रही है, जो कि हंगरी की राजधानी है. ठीक है. तो हंगरी की मुद्रा क्या है? मुद्रा भी हमें पता होना चाहिए. तो मुद्रा है फोरेंट, हंगरी की मुद्रा है. ठीक है. अब ये जो कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है 2018, यहाँ पर भारत की ओर से नेतृत्व कौन कर रहा है? तो नेतृत्व कर रहे हैं बजरंग पुनिया, जिन्होंने जो 2013 में विश्व चैंपियनशिप हुई थी वहाँ पर कांस्य पदक इन्होंने जीता था. ठीक है. और ये 65 किलोग्राम श्रेणी के दावेदार हैं. ठीक है. बात करें एशियन गेम्स में इन्होंने पार्ट लिया था, तो इन्होंने यहाँ पर एशियन गेम्स जो जकार्ता में हुए थे वहाँ पर इन्होंने गोल्ड पदक जीता था. ठीक है. तो ये हैं बजरंग पुनिया. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है मीनल पटेल डेविस. अब ये कौन है मीनल पटेल डेविस? ये है भारतीय मूल की एक महिला है जिन्होंने यौन दासता के विरोध में शीर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इनको किनको सम्मानित किया गया? मीनल पटेल डेविस को शीर्ष अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. और इनको क्यों किया गया है इनसे सम्मानित? इनका जो योगदान था मानव तस्करी को रोकने के लिए, जो इनको इन्होंने अपना योगदान दिया है उसके लिए पुरस्कार इनको दिया गया है. ठीक है. बात करें अमेरिका, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वहाँ की मुद्रा है डॉलर. और वहाँ के राष्ट्रपति का नाम सभी जानते हैं, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है सज्जन जिंदल. अब ये कौन है सज्जन जिंदल? ये जो ये है इनको अभी वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने कोषाध्यक्ष के रूप में चुना है. सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने कोषाध्यक्ष के रूप में चुना है. ठीक है. बात करें वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स में, जो कि बेल्जियम की राजधानी है. अब बेल्जियम की बात हुई है तो बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है और वहाँ के पीएम कौन है? चार्ल्स मिशेल वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है. और मुद्रा क्या है बेल्जियम की? तो मुद्रा है यूरो. ठीक है, तो देख लेते हैं. ये है सज्जन जिंदल जिनकी फोटो आप इमेज में देख सकते हैं. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है ग्लोबल फोरम, ग्लोबल पार्टनर्स फोरम से संबंधित है. ठीक है, तो वो कौन सा देश है जिसने ग्लोबल पार्टनर्स फोरम का चौथा संस्करण मेजबानी करेगा? कौन सा देश इस ग्लोबल पार्टनर्स फोरम की मेजबानी करेगा? उस देश का नाम है भारत. इंडिया इसकी मेजबानी करेगा. ठीक है, अब ये किससे रिलेटेड है ग्लोबल पार्टनर्स फोरम, क्या होगा इसमें? तो यहाँ पर जो महिला या बच्चों और किशोरों के स्वास्थ्य के मुद्दों और समाधानों पर चर्चा करेंगे, जहाँ पर 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि आएंगे और इसके में चर्चा करेंगे. एक तरह से ये एक WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित ही है. ठीक है, और WHO की बात करें यहाँ पर तो WHO संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है विश्व स्वास्थ्य संगठन. और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को. बात करें मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुख्यालय है जनेवा में इसका मुख्यालय है. और महानिर्देशक कौन है WHO के? तो उनका नाम है टेड्रस अधोनोम, इनके महानिर्देशक हैं WHO के. ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन संबंधित है मार्सेल वेन ओस्टोन. ये जो पर्सन है ये कौन है? ठीक है, तो ये जो मार्सेल वेन ओस्टोन है इन्होंने अभी द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018 का पुरस्कार जीता है. किसने जीता है? मार्सेल वेन ओस्टोन ने द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार जीता है. ठीक है, जो कि लंदन में आयोजित होती है, तो इन्होंने पुरस्कार जीता है. तो ये फोटो जो है देखते हैं, ये इस फोटो के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, जो गोल्डन स्नैप बंदर की जो जोड़ी है इस फोटो के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है. ठीक है, बात करें वन्यजीव पुरस्कार, एक वन्यजीव पुरस्कार दिया है जो जूनियर श्रेणी में, जूनियर श्रेणी में वन्यजीव पुरस्कार दिया गया है वो किनको दिया गया है?
वो दिया गया है अर्शदीप सिंह को, ये पुरस्कार दिया गया है जो मात्र 10 साल के, जो आप फोटो में देख सकते हैं, जो 10 साल के हैं, इनको, ये पंजाब के रहने वाले हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और जो ये फोटो आप पीछे देख रहे हो उनके साथ, इस फोटो के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन संबंधित है भूटान में नई सरकार। भूटान में भी नई सरकार बनी है, ठीक है, तो उस सरकार का नाम क्या है? उस सरकार का नाम है ड्रुक न्यिमरूप त्योगस्पो, उस सरकार का नाम है जिसने 47 में 30 सीटें जीत ली है और नई सरकार भूटान में बनी है। ठीक है, भूटान की बात करें तो भूटान की राजधानी है थिम्पू, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर सभी जानते हैं, उनका नाम है शेरिंग तोगबे, उनके प्राइम मिनिस्टर है और मुद्रा वहाँ की रुपया ही है जैसे भारत में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन संबंधित है राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण से संबंधित है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण से संबंधित है। ठीक है, तो इसकी बैठक अभी हुई है, तो इसकी बैठक किसके अध्यक्षता में हुई है? इसके अध्यक्षता में हुई है तो ये हुई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक की गई है। और कौन सी बैठक है ये? ये बैठक है 6 नंबर की बैठक हुई है। तो ये 21 तारीख अपने करंट अफेयर थे जो आज ख़त्म हो गए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर करें जो भी किसी भी अपने कॉन्टेक्ट्स में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और इंग्लिश को जिस चैनल को आप चेक करें, इसमें इंग्लिश के मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश के अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। पूरे वीडियोज़ को देखें तो आपको पता चलेगा इंग्लिश कितनी ईजी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर में, तब तक के लिए धन्यवाद।